हेलो दोस्तों नमस्ते सुपरबार जय श्री कृष्ण राधे राधे माय सोल फैमिली माय वीवर्स माय सब्सक्राइबर्स गॉड ब्लेस यू आप सब स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आज का भी का जो मेपडे लेकर आई हूँ ये है आपके पार्टनर की एनर्जी उनकी फीलिंग्स आज के लिए तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और इंटेंशन सही रखें और मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ आप सबके लिए तो एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम लीजिए और राधे 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 राधे, राधे का जाप कीजिए देखिए कैसे मेरिकल्स होते हैं आपके लाइफ में क्योंकि राधा कृष्ण सबको सब कुछ देते हैं सही चीज़ आपके लिए क्या है वो जरूर आपको समझाते हैं और आपको गाइड भी करते हैं तो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण तो चलिए पहले देखती हूँ आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या है वो आपके लिए क्या महसूस करें आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं तो चलिए रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए ठीक है कलेक्टिव रीडिंग है और एक बात किसी ने लिखा था काश दीदी गाइड कर रही हूँ मैं आपको इस बात को मोटिवेट कर रही हूँ गाइड कर रही हूँ देखिए अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर दो या उस पर्सन को पाना चाहते हो कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो किसी ने लिखा दीदी काश आप जो कह रहे वो मेरी विश पूरी हो जाए देखिए काश जो आपने बोला ना वो काश ना बोल के उसको प्रजेंट में मैनिफेस्ट कीजिए ऐसा हुआ है आपके साथ आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आया है और आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो काश वो मत लगाइए काश लगाते हो तो कास में चला जाता है मतलब वो आगे बढ़ता जाता है वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होता है सिर्फ आप उम्मीद कर रहे हो और उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो मैनिफेस्ट जो कर रहे हो तो प्रेजेंट में मैनिफेस्ट करो कि आज मेरे पर्सन का कॉल मैसेज आया है उनसे बात हुई है और वो मेरे साथ है हम दोनों में अनकंडीशनल लव है तो इस तरह का वाइब्रेशन दे कास करके मैनिफेस्ट नहीं कर क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है और जो मैनिफेस्ट करते हो जैसे आप मैनिफेस्ट करते हो तो उस चीज़ को हमेशा फोकस कीजिए कि मुझे परजेंट में ही मांगना है और परजेंट प्रेजेंट में वो चीज आपके पास है काश मत लगाइए काश यानी कि उम्मीद बहुत है बट कर कुछ नहीं रहे हो कुछ नहीं रहा ये गाइडेंस आप सबके लिए है इसलिए काश मत लगाइए प्रेजेंट में मैनिफेस्ट कीजिए और ग्रेटिट्यूड शो

खुद से उम्मीद कीजिए खुद को बदलिए और काश के जगह ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और आज में कि वो चीज मेरे पास है आपके पार्टनर हैं उन्होंने आपको जस्टिस दिया है उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट की है आज वो आपके साथ है हम दोनों में प्यार है ठीक है मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट में होता है काश नहीं उम्मीद नहीं ठीक है कभी भी नहीं कि वो आ जाएंगे नहीं वो आ चुके हैं मेरे लाइफ में है वो मुझसे इतना प्यार करते हैं आज सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करते हैं आज अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं ये चीज लिखना शुरू कीजिए और अपने माइंड में ये माइंड सेट कीजिए फिर आप वन भी कर कर भी देखिए खुद आप में बदलाव आता है कि नहीं आपके सोच में बदलाव आता है कि नहीं ये चीज आप कर कर देखो और इंजन से आप सपोर्ट लो मैंने गाइड भी वीडियो भी बनाया इंजन से कैसे बात करते हैं वीडियो के नीचे जाइए इंजन से बात कीजिए आपके गार्डियन एंजल साथ में आपकी स्प्रिड आपके साथ में दिव्य शक्ति आपके साथ है खुद को बदल के तो देखिए फिर देखिए क्या मेरिकल होते हैं ये पार्टनर जो ऑन ऑफ करते हैं वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपके लाइफ में भी आएंगे अगर वो आप नहीं भी बातचीत कर रहे कम से कम उनमें ये एनर्जी फील होने लगेगी वाइब्रेशन आपकी जाने लगेगी जो अगर सोए भी हैं जाग नहीं रहे हैं रो रहे हैं तड़प रहे कुछ कर नहीं रहे तो वो भी जाग जाग जाएंगे तो इसमें बहुत ताकत है काश नहीं उम्मीद नहीं खुद में दम है और जीत है ठीक है? जितना सीखिए एनर्जी जो मैं आप लोग को गाइड करती क्योंकि मैं करती, मोटिवेट करती खुद को बदलिए क्योंकि आप लोग को चेंज करना मेरा काम है मेरा पर्पस है कि आप लोग की जिंदगी में सिक्स नाइन को बैलेंस करूं ठीक है और शक्ति को बैलेंस करवाऊं लाइफ का आपका गोल्स आपका पर्पस क्या है आप क्यों आए इस धरती पर देखिए एक इनर वर्क का कार्ड नीचे गिरा है ठीक है मैं देख लेती हूँ इनर वर्क का कार्ड नीचे गिर गया है देखिए ये इनर वर्क है इनर वर्क में क्या होता है मेडिटेशन खुद की हीलिंग करना योगा एक्सरसाइज करना और जितना हो सके इनजस्ट गॉड से ग्रेटिट्यूड शो करना यूनिवर्स से हेल्प मांगना यूनिवर्स से आकाश में ऊपर से हाथ देकर देखो हाथ देकर बात करो देखो आपको कितनी अच्छी हीलिंग आती है तो इनर वर्क वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जस्ट प्लीज गाइड करें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैं आप लुक लिए इतना करती हूँ नहीं तो मुझे क्या है मैं एनर्जी चेक करके भी जा सकती हूँ बट गाइड करने वाला कौन है आपको मैं गाइड नहीं करूंगी तो कौन करेगा फाइटिंग आई लाइक यू आई एम फाइन ब्लॉकेज रिलेशनशिप में ब्लॉकेज है आई विल लव यू फॉर एवर कॉल मैसेज करना चाहते हैं ठीक है आपके पर्सन कॉल मैसेज करना चाहते हैं पैशनेट न्यू स्टार्ट कितना समय तक वो दूर रह सकते हैं यू आर माय एंजल नो नथिंगनेस कहना चाहते हैं आपके बगैर कुछ भी नहीं है ठीक है ब्लॉकेज है क्योंकि एक कर्मा फेस कर रहे हैं ठीक है आपके पार्टनर को नींद नहीं आती है आपके बगैर आपके साथ न्याय करना चाहते दो दो कार्ड आएंगे नो नथिंगनेस का देख लीजिए दो दो कार्ड्स आ चुके हैं नो नथिंगनेस का ठीक है थर्ड पार्टी इशू ठीक है पेरेंट्स इशू देखिए थर्ड पार्टी इशू पेरेंट्स इशू इम्पोर्टेंस फॉर गिवनेस ठीक है आपके पर्सन आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं ठीक है चलिए पहले मैं देखती हूँ उनका मैसेज मेरे बात को गा, गाइडेंस के रूप में लीजिए ठीक है अपने लाइफ में मेरिकल्स देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी ठीक है देखिए आपके पर्सन कहना चाहते हो सकता है डियर कि आपके पर्सन आपसे फाइट वगैरह करते हो गुस्से से जिद पर आकर कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हो जहां ये आपको हटविक कर देते हैं बट ये इनर वर्क कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना सकता है आपके रिलेशनशिप में जो जो भी गलत फहमियाँ हैं कहीं ना कहीं वो रिलीज भी हो सकते हैं अगर आप खुद को बदलो देखिए मुझे लग रहा है यहाँ थर्ड पार्टी इशू और पेरेंट्स इशू ठीक है यहाँ पे कुछ गलत फहमियां हैं या किसी ने आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ कुछ शक के बीज बोए हैं और इस वजह से आपको रिलेशनशिप में ब्लॉकेज भी आ रहे हैं कुछ इनर वर्क आपके मेडिटेशन से ठीक होंगे अपने हीलिंग से ठीक होंगे इतना याद रखिए देखिए आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम नहीं हो तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है ठीक है वो प्यार वह एहसास बहुत ज्यादा वो फील कर रहे हैं ठीक है हो सकता है ये पर्सन कभी ऑन ऑफ करते हो मतलब ये पता है कि ये मतलब से आते हैं और मतलब से ही जाते हैं ठीक है लेकिन करवा सच है कि वो आपसे प्यार भी करते हैं लेकिन रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्यों आते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज इसलिए आ रहे हैं कि आप लोग को गॉड यूनिवर्स मिलाना चाहते हैं और ये माफ़ी की एनर्जी में आना चाहते हैं कि आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं कि अगर उनसे जो कुछ भी है हो सकता है कि वो आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो हो सकता है आपको जो चार वो आपको दे नहीं पा रहे हो तो उनके मन में जो कुछ भी है वो खुलकर आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट सोचते हैं कि आपको दर्द क्यों दे क्यों अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स का बात आपसे शेयर करें जबकि ऑब्स्टिकल या थर्ड पार्टी इशू आ गया और पेरेंट्स इश्यू आ चुके हैं तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं जो ब्लॉकेज रिलेशनशिप में आ रहा है वो आप हिल कर सकते हो क्योंकि आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं यू आर माई एंजल ठीक है आपके पर्सन इस वक्त मैंने बार बार कहा कि इस वक्त आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं बहुत सारे ऑब्स्टिकल का सामना कर रहे हैं ठीक है बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहे हैं क्यों गुजर रहे हैं क्योंकि आपसे मुलाकात बात हो गई आप उनको मिल गए हो तो अब गॉड भी कायनात भी पूरी जुड़ी आप दोनों एक हो लेकिन आप अपनी हीलिंग करें आप अपना इनर वर्क करें और मेहनत करें ठीक है इस रिश्ते को पाने के लिए रिलीज ब्लॉकेज को रिलीज करने के लिए इस रिश्ते का साथ निभाने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा इनर वर्क करना होगा मेडिटेशन करना होगा देखिए आपके पार्टनर पैशनेट न्यू स्टार्ट चाह रहे रहे हैं हैं और कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में तुम बहुत खास हो और आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है आपकी वैल्यू करते हैं लेकिन शायद वो कह नहीं पा रहे हैं या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो कुछ तो गलत फहमियां हैं लेकिन वो आपको बेहद पसंद करते हैं उनकी पसंद को कोई उनसे दूर नहीं कर सकता ठीक है देखिए डियर आप लोगों में फाइटिंग वगैरह बहुत चलते हैं हाल में भी आप लोगों में फाइटिंग हुए हैं ठीक है लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं ये जो मेरा प्यार है वो जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है और फॉर है फॉर एवर लव है यू आर माई एंजल यानी कि आप उनकी एंजल हो यानी कि सपोर्ट सिस्टम हो वो प्यार वो सपोर्ट वो मोटिवेट करना उन्हें गाइड करना अगर वो दर्द पेन में भी है तो आप उनको बात करके मोटिवेट करते हो प्यार पेम्बर कर उनको हील कर देते हो ठीक है तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आई एम फाइन मैं खुश हूं तुम्हें पाकर लेकिन कोई क्या चाहता है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ये चाहते सिर्फ आप उन्हें माफ कर दे और आपके अगर खालीपन है ये अपना हो सकता है कि इस वक्त वो इस परिस्थिति में नहीं है कि वो आपको वो चीज है जो आप चाहते हो बट ये ब्लॉकेज को कहीं कही ना कहीं हील करना चाहते हैं रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और पैशनेट न्यू स्टार्ट एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं इस रिश्ते में आपके पर्सन आपने बहुत प्यार दिया है ये समझ रहे हैं आपको फील करें महसूस कर रहे हैं अगर कोई गलत आ रही है पेरेंट्स इशू आ रहे हैं या फिर कास्ट इशू आ रहा है रिलीजन इशू आ रहा है या कोई अनमेरिड है या फिर कोई विडो है हो सकता है कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर है तो हो सकता है कोई अनमेरिड दोनों अनमेरिड भी हो सकते हो लेकिन आप पेरेंट्स इशू आ रहे हैं और थर्ड पार्टी इशू आ रही है जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में गलत फैमिया जरूर डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यू और थर्ड पार्टी कर रहे हैं जो कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों रिलेशनशिप पे लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये लव जो है बहुत स्ट्रांग है ये मैं कुछ नहीं जानता लेकिन हाँ ये एहसास और मेरे खाली पन ने ये एहसास कराया है कि मैं बहुत अकेला हूं तुम्हारे बगैर ठीक है इस पर्सन के अंदर वो प्यार वो जो आपको लेकर रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है ये चीज वो बहुत महसूस करें आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है आई मैं पसंद करता हूं तुम्हें मैं इतना जानता हूं और कॉल मैसेज ये कर सकते हैं ठीक है ये पर्सन आपके कॉल मैसेज कर सकते हैं ऐसा वो कह रहे हैं तो कास्ट इशू भी आ रहे हैं रिलीजन इशू पेरेंट्स इशू आ रहे हैं लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर कहना चाहते हैं हो सकता है की ग्रोथ रुक चुकी हो इनके लाइफ में वो खुशियां नहीं मिल रही हो वो पीस और शांति नहीं मिल रही हो उनको सुकून नहीं मिला हर सिचुएशन में देखा जाए तो आपको ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपकी यहाँ वैल्यू आपकी कद्र हो रही है न्यू स्टार्ट और पैशनेट एनर्जी है पैशनेट एनर्जी है और ये फॉरगिवनेस की एनर्जी है तो आपके पार्टनर आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं क्योंकि इस परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी हीलर हो एंड यू आर एंजल आप उनकी एंजल हो आप ही उन्हें हील कर सकते हो क्योंकि हो सकता है ये सो नहीं पा रहे हैं खुद सिचुएशन से फाइट करे पेरेंट्स से फाइट करें, करें थर्ड पार्टी से फाइट करें अपने आप से फाइट करें हो सकता है इन्होंने कुछ समय पहले आपसे भी इन्होंने फाइटिंग वगैरह किया हो तो ये खुश तो नहीं दिखाई दे रहे तो बहुत दिन से आपकी तरफ कॉल मैसेज करना चाहते हैं और आपसे बात क्लियर करना

और ये फन करना चाहते हैं मस्ती करना चाहते हैं इंजॉय करना चाहते हैं सब कुछ भुलाकर आपके साथ कुछ पल वो जीना भी चाहते हैं इनको रिग्रेट भी हो रहा है वो रिग्रेट क्यों हो रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ हो या आपको इन्होंने मिस जज किया हो आपसे फाइटिंग की हो आपका दिल दुखाया हो कुछ इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है जहां वो खुश नहीं है इनके जो डिसीजन थे थर्ड पार्टी से रिलेटेड मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट से रिलेटेड या किस किसी और सिचुएशन में ये कर्मा फेस क्यों करे क्योंकि इनका डिसीजन खराब रहा और आपको इन्होंने जस्टिस नहीं किया तो आज रिग्रेट की एनर्जी में है आपसे बात करके आपकी आवाज भी सुन लेंगे तो इनकी हीलिंग हो जाएगी मतलब इतना ये प्यार आपको करे जान से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ कितना मैं चाहू तुझे कोई किसी को न चाहे तो भी मुझे से प्यार करे काश वो दिन भी आए कितना मैं चाहू तुझे किसी को न देखिए आप उनकी एंजल हो ठीक है वैसे भी आप अर्थ थ्री दुनिया में आप एंजल ही हो ठीक है ये विश है आपके साथ प्यार रिश्ते को निभाना और कुछ वर्ष आपके पार्ट आपके तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है आपसे प्यार करते हैं देखिए इनके पास सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है एक कार्ड और क्लियर कर दीजिए जस्ट प्लीज एक कार्ड और कोई किसी को ना चाहे इनके अंदर पावर आने वाली है वीवर जी ठीक है इनके अंदर पावर आ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा फेस करें आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं ठीक है और ये सो नहीं पा रहे हैं कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर लेकिन न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं यहाँ पे साइन बता दूं यहाँ पे एरिस की एनर्जी पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो और लिब्रा लिबरा एक्समाई ठीक है देखिए डियर देखा जाए ये पर्सन की तन्हाई और ये अकेलेपन ने इनको समझा दिया है कि आप उनके लिए क्या हो क्या नहीं हो ठीक है देखिए मिसिंग एनर्जी है आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और इनसे जो भी गलतियां हुई आपने जो इतना प्यार किया है इनके रिस्पेक्ट की है आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है हर वक्त आपने इनके लिए अवेलेबल रहा आपने मेल हो फीमेल हो आप हर वक्त इनके लिए अवेलेबल रहे और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर भी मानते अपना गुड लक भी मानते हैं ठीक है ये पर्सन न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि पैसने न्यू स्टार्ट की एनर्जी आई है आपके बारे में देखिए पर्सन बहुत प्यार कर रहे हैं अगर ये बातचीत भी नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि आपकी जानकारी नहीं लेते हैं आपकी जानकारी लेते हैं हो सकता है व्यूवर्स आप अगर सोशल मीडिया पे मिले हो तो वहाँ आपको स्पाई भी कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं या हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे चैट वर्क कर रहे हो यह भी हो सकता है या आप लोग वर्क प्लेस पर मिले हो तो किसी पुराने मित्र से आपकी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है लेकिन ये पर्सन आपको अपना आपको अपना एंजल मानते हैं और इनकी हीलिंग करना चाहते हैं कि मैं मेरी हीलिंग सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो क्योंकि आप हो उनका गुड लक आप हो उनके स्ट्रेंथ और आप वो उनकी पावर तो आपके लिए ये आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं न्यू बिगिनिंग चार, करना चाह रहे हैं और इनजस्टिस तो नहीं करेंगे वो आपके साथ चाहे कुछ भी हो इनजस्टिस तो ये नहीं करने वाले और आपके साथ ये न्याय ही करेंगे लेकिन इनके मन में सोचे कि इस वक्त आपसे बात कर लेना चाहिए और उन्हें डिसीजन ले लेना चाहिए तो व्यवर्स इनके विश है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की आप विश हो इतना याद रखिए देखिए स्ट्रेंथ हो लक हो उनकी विश हो ऐसा वो करना कहना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो मेरे पास सब कुछ है और तुम नहीं हो तो क्या कुछ है मेरे पास कुछ भी नहीं आपको इस पर्सन ने हो सकता है कभी भी आपका मजाक ही उड़ाया हो हो सकता है कभी कभी होता है ना कभी टोंट में कभी आपको नीचा दिखाना <coughs> मिस जज करना ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन रहे हो लेकिन जिस तरह से आपने प्यार दिया है सपोर्ट किया है पैम्पर किया है तो इस पर्सन को अब क्या महसूस हो रहा है इस पर्सन को अब क्या महसूस हो रहा है कि आप उनके लिए सब कुछ हो आज आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है मतलब उनके अंदर की पीस शांति वो प्यार जो महसूस करें नहीं मिल रहा तो आपको ही ढूंढ रहे ना ये खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं समझ गए <coughs> लेकिन अब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं पछतावे की एनर्जी में मतलब जल रहे हैं लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है हो सकता है ये पर्सन रो भी नहीं पा रहे हो हंस भी नहीं पा रहे हो और देखा जाए तो आप उनकी विश हो ठीक है माफ़ी मांगना चाहते हैं फॉरगिवनेस की एनर्जी है ये माफ़ी मांगना चाहते हैं ठीक है ये पर्सन जो कुछ भी किया है इन्होंने आपके साथ वो अब माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए खुद को बदलने के लिए उनको स्पेस दीजिए खुद को समझने के लिए ठीक है वक्त इनको समझा रहा है क्योंकि ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं वक्त इनको समझा रहा है क्योंकि कर्मा ये फेस कर रहे हैं रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा लेकिन व्यूअर थ्री ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है तो यहां याद रखिए लॉन्ग डिस्ट रिलेशनशिप है थोड़ा समय और दीजिए इनको थोड़ा वेट और कीजिए वक्त इनको समझा रहा है ठीक है सब कुछ बेहतर होगा सब कुछ अच्छा होगा ठीक है मेरे गाइडेंस को जरूर फॉलो करें गाइडेंस को इग्नोर ना करें ठीक है ये चीज हमेशा याद रखेंगे तो आपके पर्सन आपके बिना देखिए क्या फील कर रहे हैं द की एनर्जी है स्टार की एनर्जी है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है बहुत जैसे आपके तरफ कॉल मैसेज आ रहा है और आपके पार्टनर की आपके तरफ एंट्री हो रही है ठीक है आ रहे हैं आपके पर्सन अब किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते द फुल की एनर्जी में आना चाहते हैं क्योंकि सोचते हैं तो आपके तरफ बढ़ नहीं पाते डिसीजन नहीं ले पाते हैं लेकिन ये पैशनेंट एनर्जी के साथ आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं हर सिचुएशन में वो खड़े रहेंगे ऐसा वो कहना चाहते हैं लेकिन इन्हें माफ कर दीजिए आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं थ्री ऑफ व्री ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी यहां भी आई है एक नई शुरुआत एक कड़ा देखिए प्रेशर बर्डन तो है टेनो वॉन्ट्स देखिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं हो सकता है आप नाराज हो सकते हो इस वक्त ये भी हो सकता है लेकिन देखिए यहां भी वेटिंग एनर्जी आई तो थोड़ा इन्हें स्पेस दीजिए थोड़ा अपने आप को बदलिए जहां अपने आप को बदलेंगे तो सब कुछ चेंज होगा ठीक है जहां आप खुद को बदलेंगे गाइडेंस को फॉलो करेंगे सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा ठीक है देखिए आपसे मैरिज करेंगे या आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके साथ न्याय भी करेंगे आपके साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे ये ठीक है रिवर्थ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होने जा रही है ठीक है हो सकता है कि आप लोग की एक साइकिल कंप्लीट भी हो रही है ठीक है एक साइकिल कंप्लीट भी हो रही है आप लोग की तो मुझे लग रहा है कि बहुत भी आपके पार्टनर अपनी रिस्पांसिबिलिटी को उठाना चाहते हैं और ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे प्यार करते थोड़ा टाइम और है बस ये पर्सन आपके तरफ ठीक है टेन ऑफ वन प्रेशर है बर्डन है लेकिन तब भी ये पर्सन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग थॉट सुबह सुबह की तो वीडियो अच्छी लगे डियर तो जरूर एक लाइक जरूर कीजिए लाइक में कंजूसी मत कीजिए ठीक है और लाइक कीजिए इस पार्टनर की एनर्जी से आप कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और मेरे गाइडेंस को फॉलो करें लाइफ चेंज होगा इतना याद रखिए मेरे गाइडेंस को आप फॉलो करते हो तो आपके लाइफ जरूर चेंज होगे बट उस गाइडेंस को लेकर चलेंगे तब आपके चेंजेस आएंगे दिलो दिमाग में बैलेंस लाएंगे अपने आप को समझ पाएंगे तो एनर्जी आपकी जो हाई वाइब्रेशन में जाएगी तो ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे ठीक है तो ये चीज कीजिए जरूरी है तो यहां पे मैनिफेस्ट करें एक रिश्ते की नई शुरुआत होने जा रही है ठीक है न्यू बिगनिंग होने जा रही है आपके पर्सन कॉल मैसेज कर सकते हैं ठीक है और आपके तरफ बढ़ने वाले हैं यहां पे थ्री नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा थ्री नंबर इंपॉर्टेंट है थ्री थ्री की एनर्जी आई है हाँ थ्री नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए अगले तीन घंटे मिनट घंटे सेकंड और दिन भी हो सकते हैं आने वाले थ्री डेज भी हो सकते हैं तो न्यू विगनिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांग है ठीक है तो बहुत विश आपकी विश पूरी होने वाली है ठीक है ये तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी मॉर्निंग थॉट्स वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू